लूक चैप्टर 15, फिर से आज जो विषय है उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, घर वापसी। मैं सब बोले घर वापसी। इसके तीसरे भाग पे आज मनन करेंगे। कहानी वही है लेकिन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिनों ना बीते छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश में चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति को कर में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका था, उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वो दरिद्र हो गया, और वह जाकर उस देश के किसी नागरिक के साथ काम में लग गया। उसने उसे खेत में सुअर चराने भेजा। उसे बड़ी अतकंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सुअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। परंतु जब वो होश में आया, हमेशा बोले जब वो होश में आया, जब वो होश में आया, बल्कि परंतु जब वो होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के घर कितने मजदूरों का पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। आज कहानी के इस हिस्से पे हम मनन करेंगे, और आज जितने जन यहां बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी भी यदि आप प्रभु यीशु के साथ अपना जो चलना है उसके बारे में सीरियस होते जाएंगे तो उसका कोई मूल्य होगा। मैसा बोले मूल्य, मैसा बोले मूल्य, फिर से बार बोल दीजिए मूल्य। हर चीज का जीवन में मूल्य है। जब नया जीवन मिलता है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं दे सकते। यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि हमको नया जीवन मिल सके, तो आप उसके लिए कुछ नहीं दे सकते। जिसको भी नया जीवन चाहिए सिर्फ यीशु पर अपना भार डालो और यीशु तुम्हें नया जीवन देगा। लेकिन मैं सब बोले लेकिन, परमेश्वर को जानना एक अलग बात है लेकिन उसके साथ चलना एक अलग बात है। और मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके दिल में परमेश्वर काम कर रहे हैं। जब आप हफ्ते भर हफ्ते यहां प्रचार सुन रहे हैं, जब आप घर जाके शायद बाइबल पढ़ रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, जब आप अपने जीवन की परिस्थितियों को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके दिल में कुछ कर रहे हैं। और यहां बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु आपके दिल में, और जितना आप प्रभु के साथ सीरियस होने की कोशिश करेंगे उतना आपको देखना पड़ेगा कितना मूल्य है प्रभु के साथ आगे बढ़ने का। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे पसंद हो कि कलीसिया में बहुत भीड़ रहे, इसलिए कि प्रभु यीशु कभी भीड़ से आकर्षित नहीं होते थे। भीड़ तो चिन्ह और चमत्कार देख के आती थी, लेकिन जब प्रभु अपने वचन बोलते थे बहुत से लोग भाग जाते थे, बोले अरे भाई इस तकलीफ के लिए थोड़ी ना आए हम, अपने घर में जुलम ढाने के लिए थोड़ी ना आए हम, अपने घर में लड़ाई करवाने थोड़ी ना आए थे हम, इस संकट तकलीफों से जाने के लिए थोड़ी ना आए थे हम। लेकिन उसी बीच कुछ लोग हैं जिनके दिल में परमेश्वर काम कर रहा है और वो गिन रहे हैं क्या मूल्य है प्रभु यीशु के पीछे चलने का। क्या आप प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? Yes. आज प्रभु यीशु जो वचन बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब ये लड़का बोला कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, पहली बार इसके दिल में कुछ खलबली होने लगी, क्योंकि इसे ऐसी परिस्थिति मिली जहां इसके पास बैठकर सोचने का मौका था।
और हम भी देखेंगे जीवन में कई बार सबसे अद्भुत बदलाव तभी आए हैं जब जीवन में हम बैठ के सोचते हैं। किसी का जॉब गया, किसी के घर में लड़ाई है, कोई अकेलेपन में है, लेकिन सोचो यही समय था जब तुमने बैठ के सही में जीवन के बारे में सोचा। लेकिन प्रभु में आते ही सबसे पहले सारी दुनिया हिल जाती है, अपने पराए हो जाते हैं, पराए अपने हो जाते हैं, घर में अजनबी जैसे रहते हैं, अजनबियों के बीच में अपनापन लगता है, जिंदगी थोड़ी हिलने लगती है, सारे आंकड़े बदलने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जब परिस्थिति आपको धक्का देकर किसी ऐसे स्थान में बिठा दे जहां आप अकेले हैं, क्योंकि ये लड़का अकेला था, ये सुअरों का खाना खा रहा था, इसका जीवन बद से बदतर हो गया था, लेकिन ये बैठकर सोचने लगा होगा जरूर, क्योंकि अभी तक उसे धक्का नहीं लगा था, उसकी परिस्थिति बद से बदतर हो रही थी, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा था। अभी तक वो पिता से कुड़कुड़ाता था, पिता के विरुद्ध था, पिता के प्रति उसके मन में कोई धन्यवाद नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको याद आने लगा, अपने पिता के बारे में याद आने लगा कि मेरे पिता के घर में नौकरों को खाने के बाद पैसा कुछ बच जाता है और मैं उसी पिता का बेटा आज बचा हुआ खाना खा रहा, और किसका बचा हुआ? सुअरों का बचा हुआ। अकेलेपन में जरूर सोच रहा होगा ना, वो जरूर वो अकेलापन उसको मजबूर कर रहा होगा। सोचो, मैं कई लोगों को बोलता हूं प्लीज दिमाग यूज कर लो, शरीर का ये हिस्सा सबसे कम इस्तेमाल किया हुआ है आमतौर पर, क्योंकि कई लोग नहीं सीखते, कई लोग नहीं समझते, लेकिन कई बार जीवन के सबसे विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का सबसे बड़ा काम दिलों में हो जाता है। और ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हम और आप जब प्रभु के पास आते हैं, कई बार हमको ऐसे ही अकेलेपन में बिठा दिया जाता है जहां हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं अगला कदम आगे बढ़ाना कि पीछे हटना है। कई बार हमको बोला जाता है ऐसे नहीं चलेगा, तुम चुनाव कर लो, और हम डर के कमरे में बैठ जाते हैं। हम बोलते प्रभु इसके लिए तो साइन नहीं किए थे, ये सोच के तो आपके पास नहीं आए थे। लेकिन फिर दिल में कहीं से आता, नहीं कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी जाए तो भी मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने विश्वास के अगले चरम पर चला जाता है, क्योंकि अब उसने अपने जीवन की बुनियाद यीशु के वचनों पर रखना चालू की है। और इसलिए आप में से यदि कोई है जो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता है, मैं बोलूंगा हड़बड़ाइए मत, क्योंकि प्रभु आपसे खुद कह रहे हड़बड़ाओ मत, पहले सोचो, बैठ के उसका मूल्य गिनो। और इसने बोला यदि आज प्रभु आपके जीवन में कोई काम कर रहे हैं, और मैं जानता हूं यहां बहुत से लोगों के दिल में हलचल है, बहुत से लोगों के मन में खलबली है, परिस्थितियां वही है लेकिन आदमी अंदर से बदल रहा है। कोई दुकान में उसी गल्ले पे बैठा है, कोई ऑफिस में उसी जगह बैठा है, कोई फैक्ट्री में उसी जगह बैठा है, कोई काम करने जगह उसी जगह बैठा है, कोई घर में उसी जगह बैठा है, लेकिन दिल में कुछ एक अलग परिवर्तन आ रहा है। पहले जिन बातों के बारे में नहीं सोचा, अब उस बारे में धीरे धीरे सोच हमारी वहां जा रही है, अचानक से पवित्र चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है जो पहले कभी गया नहीं। अचानक से मन में कर रहा है कि आप थोड़ी देर दुआ कर लूं, जिंदगी में कभी दुआ नहीं की। मन कर रहा है कि नहीं, मैं मुझे सहभागिता करनी है। दिल में खलबली चल रही है और आदमी के अंदर, और मैं आपसे कह दूं, यदि आप चिन्ह और चमत्कार के प्रेमी हैं, तो आदमी के दिल का परिवर्तन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। आज अगर आपके दिल में, मन में, सोच में परिवर्तन आ रहे हैं, प्रभु यीशु आपको बोल रहे हैं तुम मेरे पीछे तो चलना चाहते हो, लेकिन बैठ के थोड़ा सोच लो, क्योंकि ये लड़का वहां से आगे बढ़ने से पहले इसने मूल गिन लिया था। उसके पास शायद सारा समय था सोचने के लिए, अचानक से पिता की याद आई। इससे पहले उसका मन बिल्कुल आभारी नहीं था, बिल्कुल उसके मन में पिता के लिए कोई प्रेम, कोई याद नहीं थी, लेकिन पाप में उसे जो लगा आजादी है, वह आजादी अब उसके लिए श्राप बन गई। पाप जब अपनी तरफ खींचता है
تو پرومس دیتا نا, ارے بہت مزہ آئے گا, تو اپنا جیون اپنے حساب سے جی. لیکن ایک سمے آتا ہے وہی آزادی سب سے بڑا شراب بن جاتا ہے, کیونکہ پاپ میں کوئی آزادی نہیں ہے, اس میں خالی بندھن ہے. اور یہ بیٹا اسی بندھن کو انوبھو کرنے لگا اور اپنے آپ پر سے اس کا وشواس اٹھنے لگا. اس کے لیے رستے کا انت تھا, اپنے کرموں کے کڑوے پھل وہ کھا رہا تھا, لیکن اب اس کو پتا کی یاد آنے لگی. اس کے سامنے یہ ستیہ تھا کہ اس کا جیون کہاں پڑا ہوا ہے, اور کئی لوگوں کے جیون سامنے ستیہ ہے, دیکھو تم کیسے جی رہے تھے یا دیکھو تم کیسے جی رہے ہو, اور پرمیشور کا وچن تم کو کیا دکھا رہا ہے. اور میں جانتا ہوں یہاں کئی لوگ سوچ رہے ہیں, وہ اپنے جیون پر ہی پرشن چن اٹھا رہے ہیں. یہاں کچھ لوگ جو بول رہے ایسے کیسے چلے گا, آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں ایسا کیسے چلے گا, لیکن آج پربھو یشو بھی یہی کہہ رہے, بیٹھو اور مولیہ گنو کہ پربھو یشو کے پیچھے چلنے کا مولیہ کیا ہے. اب اس کے سامنے بس یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی مان لے, کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ دشت تب بھاگتا جب اس کا پیچھا کوئی نہیں کرتا. تو کئی بار ہم بھاگتے اس لیے نہیں کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے, بھاگتے اس لیے کہ ہمارا اپنا انتر من ہمارا پیچھا کر رہا ہے, وہ خود ہمارے ورودھ گواہی دے رہا ہے اور ہم کو چین نہیں آ رہا. اور پھر بھوک ہو جاتی ہے, مجھے بدلنا ہے, بائبل کہتے اور اس کو ہوش آیا, اور اس کو ہوش آیا, اس کو ہوش آیا وہ کر کیا رہا تھا. آپ نے یدی کچھ لوگوں کی گواہی اگر آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اپنی گواہی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, تو کئی بار وہ بولتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں میں کیا کر رہا تھا, مجھے ہوش بھی نہیں میں کیسے جی رہا تھا, میں اندھا ہو گیا تھا, میں پاپ کے نشے میں بالکل بے قابو تھا. بھلے اس کا انترمن گواہی نہیں دے رہا ہو, لیکن آپ بہت سی گواہیوں میں ایسے سنیں گے لوگ خود بتاتے ہیں کہ جیون کے ایک پل ان کا ایسے بھی تھا جہاں ان کو معلوم ہی نہیں وہ کیسے جی رہے تھے. یہ وچن کہتا ہے کہ یہ لڑکا ہوش میں آ گیا, مطلب اچانک سے اس کا انترمن جاگ گیا, بھائی ہم جی کیسے رہے ہیں, یہ کیا جیون ہے. دیکھیں سارے دھرم آپ کو صحیح اور غلط بتائیں گے, لیکن وہ صحیح کیسے کرے یہ کیول پربھو یشو بتائیں گے. سب دھرم میں لکھے یہ مت کرو وہ مت کرو, یہ تو سب کو معلوم ہے, یہ آپ بنا کسی پوتر شاستر کو کھولے آپ کے اپنے انتر من میں معلوم ہے صحیح کیا غلط کیا ہے, کیونکہ پرمیشور نے سب کو انتر من سب کو ضمیر دیا ہے. لیکن آدمی مجبور ہے جب تک پربھو یشو اس کو اندر سے پریورتت نہیں کر دے, اور پریورتن ہونے کے بعد تھوڑا سمے بڑا مزہ آتا ہے, نیا جیون پانے کے بعد تھوڑا سمے بہت مزہ آتا ہے, لیکن پھر بعد میں لگتا ہے رے یہ کیا, ہائے رے اس مزے کے بعد تو وچن بڑا چبھنے لگا ہے, اب ان کی تو ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے, یہ تو بولتے اب یہ کرو اب وہ کرو, میں تو بولا مجھے پربھو یسو چاہیے. او مطلب آپ کو پربھو یسو چاہیے اور پربھو یسو کے وچن نہیں چاہیے. کئی بار آپ کو اپنے گھر میں بٹھا کے بولا جائے گا ایسے نہیں چل سکتا, ہو سکتا کسی کے ماں باپ بولے ایسے نہیں چل سکتا, تم مجھ میں یا پربھو میں ایک چن لو, اس سمے کیسا لگتا ہے, دھکا لگتا ہے کہ نہیں. لیکن آدمی اکیلے بیٹھ کے سوچتا ہے, اب پربھو یہی چاہتے, سوچو کاؤنٹ کرو کاسٹ کاؤنٹ کرو, اگر پربھو یشو کے پیچھے چلنا ہے تو مول گنو, ہر چیز کا ایک مولیہ ہے. مولیہ مطلب ہوتا ہے کیا قیمت ہے, کیا لگے گا,
मुझे क्या देना पड़ेगा ताकि मैं वो पा सकूं जो मुझसे मांगा जा रहा है। आइए हम लूका की पुस्तक में 14 अध्याय में पद संख्या 25 से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब एक भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए, ये उसने कौन है? ये कौन है? ये उसने कौन है? यीशु। यीशु खुद बोले, अगर कोई, उसने भीड़ से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहां तक कि अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु बोल रहे, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है और तुमको मुझसे ज्यादा प्रेम, अपने माता पिता, बोले क्या मैं नफरत करूं? बिल्कुल नहीं। अपने बीवी, अपने पति, अपने बच्चों से ना हो, यहां तक कि अपने लिए भी मुझसे ज्यादा प्रेम हो, तो वो व्यक्ति मेरे पीछे मेरा चेला बनने के लायक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, और मैं यही बोल रहा हूं, यहां लोग फंस रहे हैं। शुरू शुरू में आए, बड़ा मजा आया, लेकिन बोले ये क्या, हर हफ्ते डिमांड बढ़ती जा रही है यीशु की, हर हफ्ते यीशु हमको चैलेंज कर रहे हैं, हम जितना सोचते हैं अच्छा लग रहा है, हमसे और ज्यादा मांगते हैं। क्या हमारा जीवन अपना नहीं है क्या? हमारी को अपनी चाहत नहीं है क्या? हमारे को अपने सपने नहीं है क्या? अरे हमने भी तो अपने लिए कुछ सोचा था भाई, हम भी तो घर की शांति चाहते हैं, हमको भी तो चाहिए सब शांति से हो जाए, कलेश ना हो। प्रभु यीशु का नाम लेने से ही कलेश हो जाते हैं। कौन सा घर है प्रभु यीशु के कारण कलेश नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है? कौन सा घर हमको दिखाओ, कोई घर है यहां? यदि कोई अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, भाई बहनों, यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला बनने के लिए योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरा चेला बनने लायक नहीं है, या मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा नहीं प्रभु यीशु का। क्योंकि तुम में से कौन है ऐसा जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर हिसाब ना लगा ले कि मेरे पास पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। बोले भाई तुमने कोई प्रोजेक्ट लिया, तुम बोले हम फलाने जगह में एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो क्या तुम बिल्डिंग बनाने से पहले ये नहीं देखोगे कि मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है कि नहीं? कि क्या जब तुमने काम चालू करके नींव डाल दी है तो तुम बोले कि हाँ ये क्या, इसको बनाने के लिए जितना चाहिए उतना तो मेरे पास है ही नहीं। अगर यहां किसी को लगता है कि प्रभु यीशु को बड़ा लालच है चेलों का, तो आप बिल्कुल गलत है। प्रभु तो भीड़ भगाने में नंबर वन थे, कि जितनी बार भीड़ उनके चमत्कार देख के उनके पीछे आती थी, उतनी बार उनके वचन सुन के भीड़ उनसे भाग जाती थी, लेकिन वहीं कुछ लोग खड़े रह जाते थे और वही अपने अगले चरम पर जाते थे। अब यही सवाल है, क्या प्रभु आपके दिल में काम कर रहे हैं? लेकिन हम में से कई लोग हैं हम मूल्य नहीं गिनना चाहते। प्रभु से कह रहा, मगर मूल्य तुम नहीं दे सकते तो तुम मेरा चेला बनने के लायक? आज ही बोल रहा हूं, हो सकता है आप चाहते हो सही में मुझे प्रभु के साथ सीरियस होना है। मैं आपसे कह रहा हूं बहुत खुशी की बात है, लेकिन जहां होने लगेंगे खुशी चली जाएगी, लेकिन उसी समय अपने अकेलेपन में आदमी को बैठ कर सोचना पड़ेगा इसका मूल्य क्या है, अन्यथा वो नींव डाले और उसे पूरा ना कर सके तो लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगेंगे और कहेंगे इसने बनाना तो आरंभ किया पर पूरा ना कर सका। क्या आपको अपने विश्वास को पूरा करना है? क्या आपको चेले के रूप में परिवर्तित होना है? क्या आपके आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए? उसका मूल्य है। क्या प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं?
उसका मूल्य है। क्या प्रभु की आज्ञा पालन करना चाहते हैं? उसका मूल्य है। प्रभु बोले बैठो, हड़बड़ी किस बात की है? और जब स्वर्ग को हड़बड़ी नहीं, आपको किस बात की हड़बड़ी है? बैठिए, सोचिए, आगे देखिए प्रभु क्या कहते। या कौन सा ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर परामर्श ना करे कि 20,000 सैनिकों को लेकर जो राजा उस पर आक्रमण करने आ रहा है उसका सामना वो 10,000 सैनिकों से कर सकता है या नहीं? अन्यथा उसे दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर शीघ्र ही शर्तों के विषय से पूछेगा, विषय में पूछेगा। इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता अगर वो अपनी सारी संपत्ति त्याग ना दे। प्रभु आपसे आपका पैसा नहीं मांग रहे। लेकिन कई लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया प्रभु यीशु को पीछे चलने के लिए। बड़े मुफ्त में उनको आजादी मिली थी, लेकिन अपनी आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। मिला तो नया जीवन प्रभु के लहू से था, लेकिन कई लोगों ने उस नए जीवन को बना के रखने के लिए अपना भी लहू बहा दिया। क्यों नहीं, इस जीवन को हम छोड़ नहीं सकते। प्रभु क्या बोल रहे, बैठ के सोचो क्या मूल्य है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके सामने एक परिस्थिति है। आप में से कई लोगों को साफ एक चुनौती है, एक धमकी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आज प्रभु बोल रहे हैं मूल्य गिनो। मुझे मूल्य क्या है? आपके तरीके, आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपके सपने। कई बार सब लग जाता है, कई बार मूल्य होता है सारे दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, कई बार मूल्य होता है अपने घर में अजनबी जैसे रहना पड़ता है। यीशु ने क्या कहा, मैं तलवार लेकर आया हूं, मनुष्य के अपने घर वाले ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। मैंने कई बार लोगों को सिखाया, जब भी तुम किसी परिस्थिति में पड़ो अपने आप से पूछो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पूछिए, ज्यादा से ज्यादा पिटाई पड़ेगी, गाली खाओगे, घर से निकाल दिए जाओगे, तुमको अकेलापन में रहना पड़ेगा, तुम्हारे दोस्त तुमको त्याग देंगे, सच बोलने के कारण हो सकता है तुम्हारा जॉब तुम्हारे हाथ से चला जाए, हो सकता है तुम अपने लोगों के बीच में जान मन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ऐसी कई परिस्थितियों में मैं ऐसी बैठ के जब मनन किया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसका मूल्य है। कई बार दोस्त चले जाते हैं, परिवार त्याग देते हैं। ये बेटा कहता है कि भले ही मुझे मेरे पिता के घर में एक नौकर जैसे रहना पड़े, मैं पीछे घूम के वापस नहीं जाऊंगा। और कई लोगों ने, जिन्होंने सही में अपना जीवन जानते थे वो कैसे जीते थे और प्रभु यीशु ने उनके अंदर क्या परिवर्तन लाया है, उनको सही में मालूम है मैं वहां नहीं वापस जाना चाहता। उनको मालूम है प्रभु यीशु छोड़ के और उनका जीवन कोई, उसका जीवन कोई नहीं बदल सकता। ये लड़का बोल रहा है भले ही मुझे अपने पिता के घर में एक नौकर जैसा रहना पड़ेगा, मैं वापस उस गंदगी में नहीं जा रहा हूं। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु यीशु जानते हैं कि उनके पीछे चलने का क्या मतलब होता है। और यह कौन है जिसको धमकी नहीं मिलती है, या जिसने कलेश नहीं देखना चालू कर दिया है? और प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं क्या तुमको पीछे चलना है कि आगे, अगर आगे चलना है तो मूल्य गिनना होगा। इस उड़ाव पुत्र ने जब यू टर्न लिया, इसका यू टर्न पूरा यू टर्न था, उसमें दो विचार नहीं थे, उसमें दो सोच नहीं थी,
اس نے جب پشچاتاپ کیا اس نے پورا پشچاتاپ کیا, بولا میں اس گندگی میں دوبارہ نہیں جاؤں گا, میں اپنے پتا کے گھر میں جاؤں گا. آج یسو بھی بلا رہے ہیں لیکن بلانے سے پہلے بول رہے تم مولے گنو, بولے میرے پاس مت آؤ اگر تم نے مولے نہیں گنا ہے, کیونکہ تم آ جاؤ گے اور پھر تم ڈر کے بھاگ جاؤ گے. تو کیا مولے گننا سمجھداری ہے؟ کیا مولے گننا سمجھداری ہے؟ اگر آپ آج وہ ویکتی ہیں جس کے دل میں صحیح میں کھلبلی چل رہی ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے لیکن چنوتیاں بہت ہیں, آج پربھو آپ سے کہہ رہے ہیں مولے گنو اور دیکھو کہ تم صحیح میں مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں. یہ لڑکا گھر سے نکلا اور بولا میں اپنے پتا کا نوکر بن کے رہنا منظور کرتا ہوں لیکن میں اس پرانے جیون میں واپس نہیں جا رہا. اور یہی کارن ہے کلیسیا میں بہت سے لوگ ایک سمے تک پربھو میں بڑھتے ہیں, اس کے بعد ٹھپ. ایک سمے تک ان کو بڑا مزہ آتا ہے لیکن اس کے بعد ان کے اندر پریورتن بند ہو جاتے ہیں, ان کا آگے بڑھنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ پربھو کے پیچھے چلنا بہت کٹھن ہے. آج جو میں میسج دے رہا ہوں یہ بہت پیارا میسج نہیں ہے, یہ بہت انوائٹنگ میسج نہیں ہے, یہ ایسا میسج نہیں ہے جس سے آپ چرچ بھر سکتے, یہ ایسا میسج نہیں ہے جس سے آپ بھیڑ اکٹھا کر سکتے, لیکن یہ ایسا میسج ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے اور خود وہ اپنے من میں چناؤ کرے. یہ جو نیا جیون میں نے چکا ہے کیا میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں؟ یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں, آپ پربھو میں ہیں کچھ سمے سے ہیں لیکن آپ کے جیون میں پریورتن بالکل ٹھپ ہو گئے کیونکہ آپ نے ڈر کے اپنے وشواس میں اس کی آگیا پالن میں چڑھنا بند کر دیا. اب پربھو کے پیچھے تھوڑے بابا پاس بیپٹیزم لو, ارے بیپٹیزم بھی لینا پڑے گا بالکل اگر پربھو کے پیچھے چلنا ہے تو. اور یہی سب سے بڑی جو کٹھن بات ہوگی کہ پربھو یشو کے وچن ہی ہم کو چنوتی دیتے. ایک وشواسی جب اپنا بھار پربھو پہ ڈال دیتا ہے تو پربھو کے اپنے وچن ہی اس کے دل میں کھلبلی کرتے رہتے. اور میرا آپ سے سوال ہے آپ کیا کریں گے؟ آج پربھو بول رہے ہیں بیٹھ کر مولے گنو, سوچو کیا تمہیں پیچھے جانا ہے کہ آگے, کیا تمہیں جھوٹے وشواسوں کی طرح کلیسیا میں سیٹیں گرم کرنی ہے کہ تمہیں پربھو کا چیلا بن کے آگے بڑھنا ہے؟ یہاں بہت سے لوگ ہیں آپ اپنی پریستھیوں میں اٹک گئے ہو لیکن آج پربھو کا وچن آپ کے لیے, آپ کی جو بھی پریستھی ہے اس میں پربھو کے چرنوں میں رکھیے. آج جو وچن آپ نے سنے وہ پربھو یشو کے وچن ہے. کئی بار آگے بڑھنا بہت کٹھن ہے, کئی بار پریستھیاں ہم کو ہر جگہ سے دبا دیتی ہے, کئی بار اپنے ہی گھر میں انجان بننا پڑتا ہے. پربھو کے کئی وشواسیوں نے بہت تکلیفوں میں, بہت ستاؤ میں, بہت انیائے کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا کیونکہ ان کو ان کے نئے جیون کا مولیہ معلوم تھا, ان کو معلوم تھا وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اس اڑاؤ پتر کو معلوم تھا وہ کہاں سے جا رہے ہیں. اور اس کے من میں یہی تھا کہ اگر مجھے اپنے پتا کا نوکر بھی بن کے رہنا پڑے میں رہ لوں گا. ہو سکتا آپ آج اپنے وشواس کے جو قدم ہے اس میں ایسی جگہ پہ کھڑے جہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس مولیہ کو گننے میں, لیکن آج پربھو یشو ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کاؤنٹ دا کاسٹ, مولے گنو. پربھو سے پرارتھنا کریے.